सो गाइज, आज हमारे साथ जुड़ी है टीनू पोसवाल एंड शी इज वन ऑफ द ब्रिलियंट स्टूडेंट दैट आई हैव फॉर सोशियोलॉजी. और इसलिए नहीं जुड़ी है कि सोशियोलॉजी की स्टूडेंट है मेरी, इसलिए जुड़ी है बिकॉज इन्होंने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है. शी हैज बीन सिलेक्टेड एज एन SDM इन द रिसेंटली कंक्लूडेड हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021. और SDM बनने पे पहले तो अकेडमी की तरफ से और मेरी तरफ से टीनू बहुत बहुत बधाई हो आपको, और आपने एक मुकाम हासिल किया है, एक जर्नी को कंप्लीट किया है अपनी. और अगेन आप जो है बहुत बड़े पद की तरफ जाने वाली हैं और वहां पर जाके बहुत बड़ा कार्यभार निभाएंगी, और डेफिनेटली सोशियोलॉजी आपको वहां पे हेल्प भी करने वाली है. ठीक है, सो हम लोग जो है सोशियोलॉजी के ऊपर आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं. आई एम श्योर जो एस्पिरेंट्स होंगे वो इससे काफी कुछ बेनिफिट उठा पाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले तो टीनू मैं जानना चाहता हूँ कि सोशियोलॉजी ही क्यों आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया? आप और कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते थे, सोशियोलॉजी में ऐसा क्या था? सर, जैसा कि मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, हरियाणा के छोटे से गांव मालवा, डिस्ट्रिक्ट अम्बाला की हूँ, तो मैंने हमेशा से ही गांव में, मैं पली बड़ी हूँ, तो गांव की सोसाइटी को देख के मुझे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे अलग लगती थी, जैसे पैट्रियार्की, पैट्रिलिनियल सोसाइटी हमारी जो होती है गांव की, तो मुझे कुछ चीज़ों जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मैंने देखा, तो मुझे हमेशा से सोशल इशूज़ के बारे में, सोशल इशूज़ को ऑब्जर्व करना, उनको उनके बारे में पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता था. तो फिर जब बाद में मुझे पता चला कि हम अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी में एक सोशियोलॉजी नाम का सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, और जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा. तो मैंने सोचा कि हाँ, मेरा टेम्परामेंट थोड़ा सोशियोलॉजी वाला ही है, मैं सोसाइटी की चीज़ों को काफ़ी मैंने बहुत नज़दीक से देखा है सोसाइटी को, तो मुझे लगा कि मैं इस सब्जेक्ट में अच्छा कर पाऊंगी, तो फिर इसलिए मैंने सोशियोलॉजी लेने का फैसला किया. ठीक है, तो बाकी एस्पिरेंट्स को बताइए कि सोशियोलॉजी आपने प्रिपेयर कैसे किया, क्या आपने सोर्सेज को फॉलो किया, क्या स्ट्रेटजी को फॉलो किया, थोड़ा सा बताइए. हाँ जी, मैंने सोशियोलॉजी के लिए सबसे पहले सर NCERT बुक्स को अपना बेस बनाया, और वो NCERT जो बुक्स हैं उन्होंने मेरी इंटरव्यू में भी काफ़ी हेल्प की है, कि जो ब्रॉड आइडिया होता है सोसाइटी के बारे में कि सोसाइटी क्या है, या फिर सोसाइटी कैसे दूसरे सब्जेक्ट से अलग है, या सोसाइटी की सिस्टमेटिक स्टडी भी होती है, उन सब चीज़ों के बारे में, की टू सोशियोलॉजी कहते हैं, की टू सोशियोलॉजी. हाँ जी, तो वहाँ से एक ब्रॉड बेस मेरा तैयार हो गया था. फिर उसके बाद मैंने UPSC के लिए सर होरोलंबस की जो ऑरेंज वाली बुक है उसको पढ़ा, क्योंकि वो काफ़ी डिटेल्ड और डिटेल्ड बुक है. कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स के लिए मैंने होरोलंबस की जो ब्लू कवर वाली बुक है होलबॉर्न, उसको भी रेफ़र किया था. फिर बाद में जब हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम आया, तो हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए मेनली मैंने वो नितिन सांगवान और BN शंकर राव, इन दोनों की बुक्स को रेफ़र किया था. इनमें से कुछ नोट्स भी बनाए थे अपने. एंड फाइनली मुझे ऐसे लगता है कि काफ़ी कुछ पढ़ने के बाद एक अंडरस्टैंडिंग तो सोसाइटी की बन ही जाती है, सोशियोलॉजी की बन ही जाती है, बट मार्क्स जो गेन होते हैं वो इस बात से गेन होता है कि मैं प्रोड्यूस कैसा करके आऊँगी मेंस में. एग्जैक्टली, सो ये यहाँ पे ना एक चीज़ है कि सोशियोलॉजी पढ़ना अलग चीज़ है और सोशियोलॉजी को लिख पाना अलग चीज़ है. तो वो आपने किस तरह से डेवलप किया, कैसे वो आपने एक्सीलेंट स्किल आंसर राइटिंग का डेवलप किया? जी, तो आंसर राइटिंग के लिए मुझे कुलदीप सर की काफ़ी हेल्प हुई, और मतलब जब मैंने शुरू में आंसर लिखने शुरू किए तो मैं काफ़ी जनरल सा आंसर लिखती थी, और लेकिन सर ने बताया कि कैसे मैं एक जनरल आंसर को एक सोशियोलॉजिकल आंसर में बदल सकती हूँ, है ना. तो कुलदीप सर की बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी गाइडेंस मिली उसकी वजह से. लेकिन मतलब फाइनली मेरे मेन से पहले मैंने वो स्किल डेवलप कर ली थी कि मैं कैसे सोशियोलॉजिकल परस्पेक्टिव से चीज़ों को कैसे सोच सकती हूँ, और जो डिफरेंट डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं उनको कैसे इनकल्केट कर सकती हूँ अपने आंसर्स में, सो दैट कि वो एक सोशियोलॉजिकल आंसर लगे, एक सिस्टमेटिक आंसर लगे, रादर देन कि जैसा कि हमें पता है सोसाइटी के बारे में सबको थोड़ी थोड़ी नॉलेज होती है, तो लिखने को अगर बोलते हैं तो शायद हम बहुत लिख भी सकते हैं, बट कैसे हमें मार्क्स कैसे गैदर करने हैं, बाकियों से कैसे अलग होना है, और ये भी एक जो आपका ऑप्शनल होता है इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है मेंस को क्लियर करने में. तो इसलिए लास्ट के जो दिन थे मेरे एक महीना, उसमें मैंने आंसर राइटिंग पे एंड सोशियोलॉजी की आंसर राइटिंग पे बहुत ही फोकस किया है, एंड धीरे धीरे मेरे आंसर्स ठीक हुए एंड रिजल्ट्स उसके ऐसे अच्छे. बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया है. सो सोशियोलॉजी ने क्या आपको इंटरव्यू में भी हेल्प किया? जी सर, क्योंकि सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल रहा है, तो मेरे इंटरव्यू में बहुत सारे सवाल सोशियोलॉजी के से पूछे गए थे, तो मुझे ऐसे लगता है कि और सोशल इश्यूज हमारी हरियाणा की सोसाइटी में तो एक मुख्य तत्व रहता ही है,
तो जो मैंने अपनी सोशोलॉजी पढ़ी थी उसने मुझे इंटरव्यू में भी काफ़ी हेल्प की, क्योंकि सोशलाइजेशन, एजिंग पॉपुलेशन, सोशल इंटरेक्शन जो कि मेरी हॉबी भी है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे और मुझे ऐसे लगता है कि मैं उनका आंसर अच्छे से दे पाई क्योंकि मैंने सोशोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ा बिल्कुल था हाँ, और इससे मुझे इंटरव्यू में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स लाने में काफ़ी मदद मिली है। दैट्स वेरी नाइस। चलिए ठीक है। सो फाइनल एडवाइस, जो एस्पिरेंट सुन रहे हैं और जो सोशोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, तो उनको आप कुछ फाइनल एडवाइस देना चाहेंगे कि किस तरह से अपने सोशोलॉजी ऑप्शन को आगे बढ़ाएं? हाँ जी, मैं यही कहूँगी कि सोशियोलॉजी को एक सिस्टमेटिक सब्जेक्ट की तरह लें और सोशल जो कंसेप्ट्स हैं उनको पढ़ें और जो आप हम सोशल ऑब्जर्वेशन करते हैं उनमें लागू करने की कोशिश करें, सो दैट कि हम एक जनरल अंडरस्टैंडिंग से एक स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी की रख पाएँ और छोटी छोटी जो भी चीज़ें सोसाइटी में होती हैं उनका एक सोशियोलॉजिकल, उनको सोशियोलॉजिकल व्यू से देखने की अगर हम कोशिश करें तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स जो होते हैं सोसाइटी के इनको हम अपने आंसर्स में डाल सकते हैं, हम अपने इंटरव्यू में इनको इनकलकेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मुझे ऐसे लगता है कि सिस्टमेटिक सब्जेक्ट है, सिस्टमेटिक वे से ही और क्रिएटिविटी से इसको आगे लेके जाया जाना चलिए चाहिए। बहुत बढ़िया। सो टीनू थैंक यू वेरी मच इंटरेक्ट करने के लिए। सो गाइज, अगर आप और भी क्वेश्चंस हैं आपके पास सोशोलॉजी को लेके एंड HCS को लेके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगेन हम लोग डेफिनेटली आई एम गोइंग टू आस्क दिस क्वेश्चंस टू टीनू आल्सो, एंड अगर हो सकेगा कि एक और वीडियो बनाना चाहिए तो वो वीडियो के साथ भी हम लोग आपके साथ जरूर आएंगे। सो टीनू फाइनली थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन, सर। वंडरफुली डन, बहुत बढ़िया से, एंड वी लुक फॉरवर्ड कि आप जो है SDM बन के जी आगे देश की सेवा कर हाँ जी सकें। हाँ जी, सो एंड इस जो भी मैं सोसाइटी को सर्व करूंगी तो सोशियोलॉजी मुझे लगता है लाइफ टाइम मुझे यस, हेल्प करेगी, डेफिनेटली हेल्प करने वाली है। ठीक मेरी है सर, पर्सनल लाइफ में भी एज वेल एज मेरी प्रोफेशनल लाइफ प्रोफेशनल में लाइफ भी। में। सो चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, इतना ही टाइम था। बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।